लोकसभा चुनाव के बीच गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ के बयान से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल पारसनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं चाणक्य का शिष्य हूं। नंदवंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूं। वहीं अब उनके इसी बयान को लेकर पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरने लगा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पारसनाथ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी का घमंड से भरा ये बयान पिछड़े और दलितों के वंश को खत्म करने की सीधी धमकी है। ये भाजपा के प्रत्याशियों का अहंकार बोल रहा है, जो सत्ता और भ्रष्टाचार से कमाए धन और बल के नशे में चूर होकर किसी भी समाज का अपमान करने से नहीं चुकते हैं। इसीलिए आज पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ क्षत्रिय, राजपूत और ठाकुर समाज से लेकर त्यागी, जाट, गुर्जर व सैनी समाज तक भाजपा के खिलाफ एकजुट हो गया है और लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने की कस्में भी खा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भाजपाइयों का बड़बोलापन ही भाजपा के महापतन का कारण बन गया है। पारसनाथ के इस बयान से न केवल विपक्ष उन पर हमलावर है बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है कि इसका असर बीजेपी को चुनाव में भी पड़ सकता है। पारसनाथ न केवल विपक्ष बल्कि एक विशेष समुदाय से भी खफा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पारसनाथ अपने बयान पर कायम रहते हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।